हाय नमस्ते सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये एस के म्यूज़िक एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है इसका सब्सक्राइब आप लोग बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। और नए सब आए हुए जो दर्शक है उनसे रिक्वेस्ट है, मेरा इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से एक एक सॉन्ग के नए नए गाने और नोटिशन आपके बीच ला सकूं। तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज एक बहुत ही अच्छा एक सॉन्ग का ट्यूटोरियल होने वाला है और जो मूवी का है, मूवी प्रेम अमर, और ये गाना गाया है हम लोग किशोर कुमार जी ने, बहुत ही अच्छा गाना है। और इसका जो म्यूजिक कंपोजर है वो आर डी बर्मन का है और इसका जो लिरिक्स है वो आनंद बख्शी जी का है। तो गाना तो आप समझ लिए होंगे ये क्या हुआ कैसे हुआ ये गाना, तो ये बिल्कुल नोटेशन के साथ हम लोग सीखेंगे। इसका जो रिदम बीट रहेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 में हम लोग ये गाना सीखेंगे और मौतर करने बजे। तो आइए हम लोग नोटेशन से देखते हैं नोटेशन में क्या है। तो जो नोटेशन है ये गाना का वो बिल्कुल सॉन्ग का जो मतलब गाना का स्थाई भाग है वो दिया गया है नोटेशन में फुल। तो बजाने से पहले सबसे जो मेन काम है, इस नोटेशन को आप पहले अपने एक प्रेस कॉपी में लिखिए, लिख के बजाइएगा तो बहुत अच्छा होगा। बिना लिख के सिर्फ यूट्यूब का ट्यूटोरियल और वीडियो देख के मत उठाने जाइएगा, पहले अपना कॉपी में लिख दीजिए, इसलिए आपको नोटेशन लिख दिए। तो देखिए गाना का जो बीट चल रहा था 1 2 3 4 1 2 3 4 इस टाइप में आपको बीट चल 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस टाइप में एक एक बार में भाग करके रखे नोटेशन है। तो क्या है पहला नोट गा मा पा पा गा वन गा मा पा पा गा वन धा पा मो सॉरी मा दा सा नी पा पा दा पा मा। तो कैसा बज रहा है गा मा पा पा गा वन गा मा पा पा गा मा दा सा नी पा पा दा पा दा पा मा। पहले हम लोग इतना दूर बजाएंगे, इतना दूर बजाने के लिए क्या करना होगा, गा मा पा पा गा गा मा पा पा गा मा दा सा नी पा पा दा पा दा पा मा। उसके बाद धा 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 पा धा 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 पा नी नी सा नी धा। तो पहले ये लाइन बजाते नी नी सा नी धा सा सा नी धा पा सा सा नी धा पा। तो सा सा नी धा पा मा गम रे पा मा गम रे पा। तो यहां से इतना दूर बजा ले सेकेंड लाइन को, नहीं नहीं पहले से ही बजा ले ठीक है। तो धा 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 पा नी नी सा नी धा सा सा नी धा पा मा गम रे पा सॉरी रे रे गा सा गा। फिर यहां से इतना दूर बजा के थर्ड ब्रैकेट से शुरू करना है। तो क्या है ये गा आपको नहीं बजाना है, इतना दूर बजाने के बाद थर्ड ब्रैकेट यहां से चालू होगा। तो क्या है मतलब रे रे गा सा गा मा पा पा गा फिर कंटिन्यू गा मा पा पा गा। तो यहां से बजा दो एंड में क्या करना है रे रे गा सा गा मा पा सॉरी रे रे गा सा गा
मादा पदा पा। फिर आप गाने का अंतरा में जाएंगे, फिर से एक बार समझा दो पूरा नोट सुन। गामा पापा गा, गामा पापा गा, मादा सानी पापा दा पदा पामा, दा 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 धा पा, नी नी सनी धा, सा सा नी धा पा, मा गा मा रे पा, रे रे गा सा गा, मा दा पा। दो बार कंटिन्यू करने के बाद होगा रे रे गा सा गा मा दा पदा पा। चलिए हम लोग तो ये क्या हुआ, ये गाना का था सॉन्ग ए समझ चुके हैं। अभी इसका पार्ट है जो टू, मतलब सॉन्ग बी, इस गाने का अंतरा दारा दारा रा रा रा, ये पार्ट। तो ये पार्ट का भी नोटेशन हम लोग देखते हैं और ये गाना को कंप्लीट करते हैं। तो आइए हम लोग इस गाने का जो सॉन्ग बी यानी अंतरा पार्ट है इस गाने का, वो पहले देखते हैं, उसका नोटेशन भी दे रहे। और जो एक काम आपको बराबर करना है, जो मेरा गुरुजी हमको बराबर कहा है, आप लोग भी कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। कोई भी गाना अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट से या गाना चाहते हैं, आपको ट्राई करना है, तो पहले 10 बार कम से कम उसका ओरिजिनल वर्सन आप सुने और उसका लिरिक्स भी कॉपी में लिखे। तो क्या होगा, लिरिक्स लिखने से वो गाने का सुर ताल, उसका जो कलाकारी है, वो सब आपको समझ में आएगा। तभी आप कोई इंस्ट्रूमेंट से हो या कुछ भी है, तो आप अच्छा गा पाएंगे, बजा पाएंगे। तो आपको बहुत ही जरूरी होता है उस गानों को बार बार से सुनना। ओके, चलिए सॉन्ग बी का जो भाग है हम लोग देखते हैं। सॉन्ग बी में क्या है गाना का जो लिरिक्स, हम क्यों सिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। मैं गाना वाना नहीं गाता हूँ, गला खराब हो सकता है, लेकिन आप लोग गाना यूट्यूब से सुनेंगे। और चीज देखिए नोटेशन आपका है क्या है, गाना 3 नंबर बीट से स्टार्ट हो रहा है। 1 2 पा सा रे गा रे गा रे सा गा रे सा नी धा, धा नी सा रे गा रे रे सा पा धा पा। जब रिपीट करेंगे तो पा धा पा सा, यहाँ से पा धा पा सा रे गा रे गा रे सा गा रे सा नी धा, धा नी सा रे गा रे रे सा। फिर जब सेकेंड बार आप बजा लेंगे उसके बाद पादा पर नहीं बजाना, प्लेन जाएगा गाना। उसके बाद गामा पादा सा नी धा पादा नी धा पा, पादा सा नी धा पा गा पा रे मा। फिर सॉन्ग ए में चला जाना है, गा गामा पा, जैसे इससे पहले जो नोटेशन आपको दिए थे, सॉन्ग ए में जाना है। तभी सॉन्ग बी पा सा 1 2 3 4 1 2 रे गा रे गा रे सा गा रे सा नी धा, 1 2 धा नी सा रे गा रे रे सा पा धा पा सा रे गा रे सा गा रे सा नी धा, धा नी सा रे गा रे, तब धा नी सा रे गा रे, ये अपर ऑक्टेव का है, धा नी सा रे गा रे रे सा गामा। फिर मिडिल ऑक्टेव में गामा पादा सा नी दा पादा, कोमल नहीं है ये, नी दा पा पादा सा नी दा पा गा पा रे मा, ये क्या हुआ। फिर वहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये बजेगा कैसे, पहले एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन थोड़ा थोड़ा करके बजाएंगे। तो क्या था, पा सा रे गा रे गा रे सा गा रे, इतना दूर बजाएंगे। तो क्या पासा रे गा रे गा रे सा गा रे, सॉरी एक साथ सनी धा, धानी सा रे गा रे रे सा, तो एक साथ बजा रहे। पाधा पासा प्लेन जा रहा, गामा पादा नी
क्या घामा पादा सानी द पाधा। यहाँ पर स्लाइडर प्रेस करना है तो नी ध पा, तो घामा पादा सानी द पाधा नी ध पा, पादा सानी द दा पादा सानी द पा गा पा रे मा, गामा से बजा रहे। फिर सॉन्ग ए में चला जाना है। तो आशा करता हूँ आज का जो गाना था और जो वीडियो था आप लोगों को बहुत अच्छा तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज कीजिए और आपको कैसा लगता है हम लोगों का वीडियो या ट्यूटोरियल जो हम लोगों का वीडियो आते रहता है। और सबसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फेसबुक में शेयर कीजिए। देखिए ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक ही है क्योंकि बहुत बैठे बड़े दूर बैठे बहुत इंसान हैं जिनको उतना मौका नहीं मिलता है ये मातृगन बजाने का। इच्छा तो बहुत है लेकिन मौका नहीं मिलता है, सही गायक का उनको ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं जानता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और आप लोग हारमोनिका बजाते शायद मेरा वीडियो देख के भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से आप अपने दोस्तों का भी मदद कीजिए जो आपका शेयर का माध्यम से उनको पास भी पहुँच जाएगा, तो बिल्कुल शेयर कीजिए। और मेन बात है देखिए सिर्फ वीडियो देखने से YouTube का चैनल का किसी का भी वीडियो देखने से पूरा सीखा नहीं जाता है। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ किसी ना किसी के पास सीखना पड़ता है। आजकल तो बहुत सुविधा उपलब्ध है जैसे ऑनलाइन में भी बहुत सारे टीचिंग चलता है। आपका जिनके पास मन है आपको लगता है ये बहुत बढ़िया गाइड करेंगे बा उनके पास सीख के मैं कुछ इम्प्रूव करेंगे तो आप उनके पास सीखिए। लेकिन किसी के पास सीखने से आप और आगे बढ़ पाएंगे और सिर्फ YouTube का वीडियो से आप पूरा कंप्लीट तो हो नहीं सकता है। YouTube में वीडियो बहुत छोटा 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 करके दिखाना पड़ता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कोई सॉन्ग लेके। आज के लिए धन्यवाद।